नहीं आंसर यही तक नहीं है, 2481 तो ये है ठीक है, और ये वाला का भी तो हिसाब करना है। इसका हिसाब ये है कि भाई देखो ये 20 है और माइनस 18 प्लस 2 है आपके पास, ठीक है प्लस 2 है तो इसमें प्लस 2 दे दो, 2483 आपका आंसर हो जाएगा, है ना। प्लस 2 है मतलब प्लस 2 आपको देना है, माइनस मतलब घटाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर 2423। आई होप इससे बेटर कोई दूसरा, इससे बेटर कोई ट्रिक हो नहीं सकता है और इससे अच्छा कैलकुलेशन कुछ हो नहीं सकता है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट चलते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। 20 नंबर सवाल है, 136 गुने 12 गुने 8, ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, लेकिन इतना अगर ऐसे गुना करोगे पहले 12 से फिर 8 से तो फिर दिक्कत होगी। इसमें मैं क्या करूंगा कि 12/96 होता है, ठीक है, तो इसको ऐसे कर लेते हैं, 136 गुने 96 कर लेते हैं, कर सकते हैं 12 गुने 8, ठीक है 12/96 होता है, तो इसका मतलब 136 इंटू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 माइनस 4, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है ठीक है। 136 गुने 100 माइनस 4, अब ये आसान हो गया आपका काफी, ठीक है, बिकॉज इसमें तो सिंपली आपको दिख रहा है कि दो जीरो बिठा देना है, माइनस अब 4 से गुना कर देना है, तो 136 है पहले 130 में कर लो, 53 का 52 520 और 6 का 24 520 और 24 544 माइनस कर लो, 600 में से 544 जाएगा तो कितना बचेगा, बचेगा 56, ठीक है, तो 13056 आपका आंसर, बहुत आसान है ना। तो ये सब चीजें करना सीखो, ये सब चीजें करोगे तो शॉर्ट हो जाएगा, ये दिमाग से भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, शॉर्ट हो जाएगा काफी। अगर ऐसे करोगे तो 62/72 लिखोगे, फिर 7 इसमें हाथ में रखोगे, फिर ऐसे करके, और ये हो गया काफी आसान, है ना। इससे क्या होगा कि आपका बड़े ही शॉर्ट टाइम में आपका एटलीस्ट मैं कह सकता हूँ कि 5 से 7 मिनट आप 7 सेकेंड आप बचा सकते हो हर क्वेश्चन में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला सवाल देखिए 21 नंबर, बस ये वही है, इसको सिंप्लीफिकेशन करना है, इसका काट छाट करना है, तो क्या ये 9 से डिवाइड होगा, 9 से जो रूल बताया था आपको याद होगा आई थिंक, कि जो ये इन संख्याओं का जो योग होगा वो अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड हो जाएगी, तो यहाँ पे 3 3 6 3 9, 9 और 9 से जो ये योग इसका 9 ही है, यानी कि 9 से डिवाइड हो रहा है तो ये संख्या डिवाइड हो जाएगी, तो 9 से काटिए सीधे, तो ये हो गया आपका 3 बार में 27, फिर 3 बचा, फिर 3 बार में 27 6 बचा, फिर 6 बचा 9 54, ठीक है, फिर 6 बचा 7, इतनी बार में ये कट जाएगा, ठीक है 3000 ज़्यादा हो गया क्या, 1 0 3 3 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 नहीं ठीक है, अब ये 518 से काटना है इसको, है ना, तो 518 से भी कटना चाहिए, काट के देखते हैं, चलो 518 से सीधे काटते हैं, 518 है और यहाँ पे हमारा क्या है 33670 है, तो कितने बार में जाएगा ये वाला पार्ट, इतना अगर देखा जाए तो ये जाएगा 6 बार में जाएगा, तो कितना होगा 18 5 90 और 6 5 30, मतलब कि 18 5 90 108, 18 6 108 और 3000 मतलब 3108, ये है कितना 3367 है, यानी कि बचेगा कितना इसमें, बचेगा कितना अगर इसको घटा लो 300 में से 100 घटाओ तो कितना आएगा 267 में से 59 मतलब 259 आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा बचा कितना 259 और 0 0, ये है यानी कि ये काटना है इससे, तो दिख रहा है कि 259 जो है ये इसका आधा है, मतलब ये 5 बार में चला जाएगा, है ना, बिकॉज अगर 259 है ना, इसको हमें 518 से काटना है, तो एक चीज सुनना, बड़े ध्यान से सुनना, तो क्या करूं मैं अगर इधर भी 2 और इधर भी 2 से गुना कर दूं, इधर 2 और इधर भी 2 से गुना कर दूं, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 518 क्योंकि आधा है, और इधर हो जाएगा 518 into 2, है ना, 2 से ही गुना किया ना हमने, तो इतना होगा, यानी कि ये आप 10 बार में काट दो और ये 5 बार में, है ना,
यानी कि ये 65 आपका आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब ये चीज मैंने इसलिए समझाने की कोशिश की कि जब भी आप आपको दिखता है कि कोई संख्या ऐसा है जो ऊपर मान लो कि जैसे ये 67 है और नीचे है आपका सपोज 670 या फिर कितना भी हो ये, और नीचे आपका इसका डबल हो, इस वाले पार्ट का डबल हो, मतलब कि इसका डबल करोगे तो कितना 14 और 120 134 है नीचे, तो अगर काटना हो ना तो आप इसको ऐसे कर सकते हो 2/2, तो आपका ये क्या है, ये डबल हो जाएगा है ना, तो फिर आप ये इसको ऐसे ही लिख सकते हो। और ये 50 मतलब ये आधा जो है वो ऊपर 2/2 से करके आप इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं सीधा यहाँ 518 से काट के दिखाया आपको। अब आप इसको ऐसे ऐसे काटते तो फिर ज्यादा टाइम लगता है ना, तो इसलिए कैलकुलेशन बड़े से ही काटना देखो, काटना सीखो क्या कटता है कि नहीं। अगर काटना सीख गए बड़े से, यहाँ पे सिखाना मैं क्या चाहता हूँ कि बड़े से काटना सीखो, उसको एक बार 2 से काटा फिर 3 से काटा वैसे मत काटा करो, बड़े से अगर काटने चाहते हो काट के देखो, वो अगर आ जाए तो फिर चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, फिर 22 नंबर सवाल देख लेते हैं। 22 नंबर सवाल आपके सामने है, बिल्कुल बोर्ड पे लिखा हुआ है। इसमें मुझे एक चीज दिख रही है कि इधर जो है ना ये 69,894 है, इधर भी 74, मतलब 70,000 के आसपास ये सब संख्या है, तो क्यों ना मैं इसको 70,000 कर लूँ, 70,000 कर लूंगा तो ये आसान हो जाएगा। पहले इधर का कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर वाले में दिख रहा है कि जोड़ना क्या है, हमें 520 जोड़ना है इसमें, तो चलो कर लेते हैं। 520 जोड़ेंगे अगर 74,156 में, तो सीधा यही दिख रहा है कि ये 74,676 हो जाएगा है ना, 520 इसमें 156 में जोड़ोगे तो 676 ही होगा है ना। इसके बाद ये दिख रहा है कि ये दोनों घटाना है हमें, तो इसको भी चलो कर लेते हैं, माइनस 341 हो जाएगा। और ये वाट उस साइड ले चलते हैं और ये वाले को इधर लाते हैं, और इसको हम क्या करते हैं 70,000 कर लेते हैं है ना, 70,000 कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। अब 70,000 हमने घटाना है तो मतलब 106 हम ज्यादा घटाएंगे, बिकॉज इससे 106 ज्यादा ही है, हम 106 ज्यादा घटा रहे हैं, इसका मतलब जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमें 106 जोड़ना पड़ेगा। 106 ज्यादा घटा रहे हैं तो जो भी रिजल्ट आएगा उसमें हमें 106 जोड़ना पड़ेगा, तो 106 इधर लिख लो। ठीक है, और इधर अपना वाट को कर दो, अब सॉल्व कर लो। अब ये दिख रहा है कि 74,676 में से 70,000 घटाओगे तो क्या बचेगा, 4,676, और इसमें से 341 घटा लोगे तो पहले 600 में से 300 घटाओ, कितना हुआ 376 है ना, 376 इसको देख लो, 376 इसमें से फिर 41 और घटा लो, 41 और घटाओगे तो क्या बचेगा 43,45, ये आपका आंसर हो जाएगा। अभी आंसर ये नहीं होगा, पहले प्लस इसमें 106 जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज ये आपका 106 मैंने ज्यादा घटा लिया था, तो 106 जोड़ दो, इसमें 106 जोड़ना काफी आसान है, 4,4,41 हो जाएगा है ना। ये 3 होगा, ठीक है, 4,4,41 आपका आंसर हो गया, सिंपल। कहने का मतलब है कि इन ऐसी संख्याओं को आपको कन्वर्ट कर लेना है कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है, कन्वीनियंस के हिसाब से आपको कन्वर्ट कर लेना है ताकि आपका आंसर बड़े ही आसानी से निकल जाए और वो वैसे लिख के जोड़ना वोड़ना ना पड़े। ठीक है, बड़ी आसानी से इसमें आ जाएगा। ये वाला सिस्टम भी समझ में आया होगा कि मैंने ज़्यादा घटा लिया था 106, तो 106 यहाँ प्लस में करने के लिए मैंने लिख लिया कि मुझे ये प्लस करना है, तो जो भी रिजल्ट आया 4,435 उसमें 106 जोड़ दिया तो 4,441 आंसर हो गया है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 23 नंबर सवाल देखिए, 23 नंबर में कह रहा है ये 85,793 माइनस वॉट प्लस 151 इज इक्वल टू इतना। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करना है, बड़ा ही आसान है, अगेन मैं कहूंगा बहुत ही आसान है, सिंपल सी बात है, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये इधर आएगा तो माइनस होगा, यानी कि इसमें से ये घटाया जाएगा है ना, इसको घटाना पड़ेगा,
तो क्या दिख रहा है कि ये भी 85,000 77,000, मतलब दोनों जो है 10,000 में पार्ट में ही है, तो 85,000 में से पहले 77,000 घटा लो तो कितना आएगा 8,000। अब यहाँ पे दिख रहा है 793, तो चलो इसको 800 मान लेते हैं। 800 मतलब हमने इसमें 7 ज्यादा दिया है, मतलब 7 हमें बाद में घटाना पड़ेगा। 800 इसको मानोगे तो 800 में से 477 घटाओगे तो कितना बचेगा 23 उधर और 300, 323, ठीक है 323 बचेगा, है ना। लेकिन हमने क्या है, हमने 7 जो है और घटाना पड़ेगा, बिकॉज हमने 7 ज्यादा इसमें कर दिया था, तो 7 और घटाओगे तो ये हो जाएगा 2333, 23 की जगह पे ये हो जाएगा 316, ठीक है 316 हो जाएगा, बिकॉज 7 जोड़ोगे तभी तो 23 होगा, है ना यहाँ से। लेकिन हमने चूंकि 7 ज्यादा दे दिया था, 7 कम कर लिया, तो ये हो गया कितना 8,316, और प्लस इधर कितना है 151, बस जोड़ दो 300 और 150 450, 1 इधर 16 इधर 17, 450 और 17 467, यानी कि 8,467 आपका आंसर। सिंपल, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। यहाँ पे 8,125 है माइनस 4,018 माइनस 1219 बराबर 8, तो इसमें तो बड़ा ही सिंपल है, ये 8,125 है घटाना हमें, देखो ये है और ये यानी कि ये दोनों घटाना है, यानी कि ये 4,000 है, 1,000 और 5,000 घटा लें 8,125 में से, 4,000 इसका और 1,000 इसका, बाकी ये छोड़ देते हैं तब तक, 219 इसका और 18 इसका छोड़ देते हैं, 5,000 ये घटा लें अगर 8,125 में से, तो कितना बचेगा 3,125, है ना। 8,125 में से 5,000 घटाओगे तो कितना बचेगा 3,125। अब इधर बच गया 18 और 219, बिकॉज ये तो और ये तो हमने घटा लिया है ना, तो 18 और 219 बचा है, ये हो जाएगा आपका 237। अच्छा देखो अब इसको हम काम करते हैं, इसको भी 237 कर देते हैं, 3,237, 3,237 कर दिया, मतलब इसमें कितना ज्यादा कर दिया हमने, 125 था पहले तो कितना ज्यादा कर दिया, 112 ज्यादा दे दिया है हमने, यानी कि 112 हमें घटाना पड़ेगा, ठीक है 112 हमें जो भी रिजल्ट आएगा फाइनल उसमें से 112 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 237 है, तो ये हो जाएगा 3,000। अब 3,000 में से 112 घटाओगे तो क्या आएगा 2,888 आएगा, है ना 2,888, यही आपका आंसर होगा। ये जो 112 माइनस तो करोगे, बिकॉज यहाँ पे दिया था 112 ज्यादा इसको, तभी तो ये आसान हुआ था, तो 112 ले लो इससे वापस 3,000 में से, आंसर बहुत ही आसान है, सेकेंडों का खेल है। 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, अगेन इसमें ट्रिक लगेगा, ट्रिक मतलब यही है कि अब इसको 33 से मैं गुना करूँ फिर 3 से गुना करूँ, उससे अच्छा मुझे एक दिख रहा है कि 33 में अगर 3 से गुना करोगे 99, और 99 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 1, इसका मतलब 333 इंटू 100 माइनस 1 लिख सकते हो, बिकॉज ये 99 ही तो है, इसका मतलब क्या हो गया आपका सिंपल हो गया, वो काफ़ी है, अब इस पे 2 जीरो बिठा दो और इसमें से 333 घटा दो, जो आंसर आया वो आपका आंसर हो जाएगा। पहले 300 घटा लो, यानी कि 33,000, 33,000 में से 33 और घटाओगे तो कितना आएगा 33,000 में से 33 घटाओगे तो 32,967 आएगा, है ना सिंपल, यही आपका आंसर। अब देखो 26 नंबर सवाल देखो, अगेन यही कटाकुटी वाला गेम है, वाट की वैल्यू निकालनी है ना, तो हम क्या करेंगे सीधा 916 से इसको काटते हैं, है ना, देख रहे हो कि यहाँ पे 2,143 को काटना है, यानी कि 916 है तो दो बार में जाना चाहिए, है ना, दो बार में करोगे तो 9 × 2 = 18, 1800 और 32, 1832 होगा, तो 2,143 में से 1832 अगर माइनस करोगे तो 11 और यहाँ पे फिर 11 में से 311 बचेगा, 311 है ना, उसके बाद वाला संख्या क्या है 4, इसको काटना है हमें, तो इस बार कितने से काटना पड़ेगा 9 × 3 = 27 × 4 = 36, यानी कि तीन बार में जाना चाहिए ये 27, है ना, तो 2,748, तो 2,748 ही होगा, तो अब इसको माइनस करके देखो 14 में से 8 = 6 और 10 में से 4 = 6, फिर यहाँ 10 में से 7 = 3, 366 आ गया, बचा क्या है 1 और 4 बचा हुआ है। अब ये देखो ये तीन बार में इतना गया था,
तो ये चार बार में चले जाना चाहिए, बिल्कुल जाएगा है ना, चार बार में चला जाएगा ये, अगर नौ चौका 36 और 16 चौका 64, ठीक है, ये चार बार में चला जाएगा। अब इधर बचा एक तीन महाराज और, तो ये देखो इसका ये जोड़ो 6 और 9 यानी कि कटना चाहिए, ये भी कट जाएगा, काटो इसको, 7 3 का 21 बचा 2, ये आपका आंसर हो गया है ना। तो आपको बड़े से काटना शुरू करो जब ऐसा क्वेश्चन हो ना, बड़े से बड़े। अब एक चीज इसमें ये रहता है कि अगर देख लो कि दशमलव में है तब भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, दशमलव में हो तब भी कोई इशू नहीं है। अगर जनरली क्या होता है दशमलव में आंसर नहीं है तो बड़े से काट दो, अगर दशमलव में भी तो भी दिक्कत नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेशन वहाँ पे ट्रिकी हो जाती है, जो मतलब वहाँ पे जिसका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा वो टाइम तो बचा लेगा वहाँ पे, जिसका नहीं है वो फंस सकता है। लेकिन मेरा जो मानना है इतनी प्रैक्टिस करो कि बड़े से काटना शुरू करो है ना, ये जल्दी से जल्दी आंसर तक आप पहुंच जाओगे। तो 26 नंबर हम निकल लिया, 27 देखते हैं, चलो अब 27 नंबर देखते हैं। 27 नंबर में ये गुना ही करना है, ठीक है, वाट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम काम करते हैं 21 से गुना कर लेते हैं इसमें, ठीक है, 21 से गुना करेंगे मतलब 20 + 1 से गुना कर लेते हैं। सबसे पहले 20 से गुना करो, यानी कि इसको डबल करके एक जीरो बिठाना है हमें, ठीक है, डबल करोगे तो 4 0 2 2 2 एक जीरो बिठा लो। अब एक और है तो एक बार इसको जोड़ना पड़ेगा है ना, बिकॉज 2 0 1 1 1 है, तो इसको जोड़ लो, 1 3 3 2 2 4। आई होप ये समझ में आई होगी बात, मैंने क्या किया सिंपल इसमें यहाँ पे देख लो 2 0 1 1 1 और इसको 20 + 1 कर लिया है ना, यही है बस। ये 20 से गुना किया तो इतना आया, और +1 इधर है तो इसको इसमें गुना करोगे तो एक बार यानी कि आपको जोड़ना पड़ेगा, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 21 से गुना करने पे है ना। अब ये हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिखा है। अच्छा, 11 से और गुना करना है, 11 से और गुना करना है, तो 11 से गुना करने का एक ट्रिक होता है, वो ट्रिक समझ लो। ट्रिक क्या है, किसी भी संख्या में अगर 11 से गुना कर रहे हो तो उस संख्या के आगे और पीछे जीरो लगा दो, आगे पीछे जीरो लगा दो। उसके बाद आपको एक काम करना है, ये जोड़ना है, ये जोड़ते रहना है, ठीक है। जैसे मैंने 0 1 जोड़ लिया तो 1 आया है ना, यहाँ पे 1 और 3 जोड़ा तो 4 आया है ना, फिर इसके बाद 3 और 3 जोड़ा तो 6 आया, फिर 3 और 2 जोड़ा तो 5 आया, फिर 2 और 2 जोड़ा तो 4 आया, फिर 2 और 4 जोड़ा तो 6 आया, फिर 4 और 0 जोड़ा तो 4 ही आया, यानी कि यही आपका आंसर होगा। 11 से ट्रिक, 11 से किसी भी संख्या में गुना करने का ट्रिक यही है कि उस संख्या के आगे पीछे जीरो लगा लो और उसको ऐसे जोड़ते चलो, जैसे 0 1 पहले जोड़ लिया 1 आया, उसके बाद 1 3 जोड़ लिया 4 आया, फिर 3 और 4 आया, 3 और 3 6 आया है ना, फिर 3 और 2 5 आया। ये 11 का ट्रिक, ये ट्रिक आपको याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैंने ये किया ना, इसको मैं ऐसे कर सकता था, मान लो यहाँ पे 11 का ट्रिक सपोज आपको नहीं याद है तो क्या करोगे, सिंपल शब्दों में, सिंपल ट्रिक में क्या करोगे, 11 से ही गुना करना है ना, तो पहले 10 से गुना कर लो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 11 को, 10 + 1 यही तो है ये, तो एक जीरो बिठाना है पहले आपको, 4 2 2 3 3 1 पे एक जीरो बिठा लेना है, उसके बाद यही संख्या को नीचे जोड़ देना है, ठीक है, 4 2 2 3 3 1, ये भी वही सेम वैल्यू आएगी, 1 4 6 5 4 6 4 आंसर, ठीक है। अब 28 नंबर का सॉल्यूशन देखेंगे, सवाल बड़ा ही आसान है, यहाँ पे देख रहे हो 999 है, तो अगेन मैं वही ट्रिक आपको बताऊंगा कि 887 में 1000 - 1 कर दो इसको, ये भी 999 ही होगा है ना, 999 को बदल दिया मैंने 1000 - 1 में, यानी कि 587 पे 3 0 और इतना ही 587 ही इसमें से घटा लो, बिकॉज -1 है, तो अगर गुना करोगे तो ये घटाना पड़ेगा है ना, तो घटाओगे तो क्या है, पहले एक काम करो 600 घटा लो, 600 घटा रहे हो यानी कितना ज़्यादा घटा रहे हो, 13, 13 ज़्यादा घटा रहे हो तो 13 आपको जोड़ना पड़ेगा बाद में जो भी रिजल्ट आएगा, तो ये इधर रख लो इसको। अब ये देखो यहाँ पे 586 तो हो ही जाएगा, बिकॉज 1000 इधर, 1000 मान लो 7000 है, इसमें से 1000 दे दो कि भाई 1000 में से 600 घटा लो तो 400 हुआ। अब इसमें 13 ऐड करना पड़ेगा, 13 चूंकि मैंने ज़्यादा घटा लिया था तो 13 ऐड कर दो, तो आंसर आपका 586413 यही आपका आंसर।
है ना, ऐसे भी घटा सकते थे, ये 13 करने की जरूरत नहीं थी। ये तो मैं एक्चुअली इसलिए बताता हूँ बिकॉज ये ज़्यादा मुझे आसान लगता है। अगर आपको ये आसान लग रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, है ना, सीधा ही घटा लेते, उसमें भी कोई इशू नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर सवाल भी 28 नंबर की तरह ही है, वहाँ पे 999 था, यहाँ पे 9999 है, संख्या बदल गई है, कॉन्सेप्ट वही है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 72519, इसको हम लिख सकते हैं 10000 माइनस 1, तभी तो आएगा 9999।